फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। त्योहारों का मौसम आ चुका है और इस मौसम में हर व्यक्ति को अपेक्षा है कि उसे कोई ना कोई तोहफा जरूर मिले। घर में त्योहार आता है तो खर्चे की एक लंबी लिस्ट पहले ही तैयार हो जाती है और इन शुभ दिनों में लोग शुभ कार्य के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रेडी रहते हैं। नया बिजनेस खोलना हो, शादी ब्याह हो या फिर कोई और चीज़, किसी भी चीज़ की शुरुआत करने के लिए आवश्यकता है पैसे की। एक मिडिल क्लास या गरीबी रेखा के नीचे वाले व्यक्ति के लिए अचानक पैसे इकट्ठा करना आसान नहीं होता, इसलिए बैंक आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन बैंक जाकर भी कई बार ग्राहक को वहां से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन उतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगती जितनी की होनी चाहिए। इसलिए आज इतिहास में पहली बार एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे जनता की सेवा में तत्पर रहे सभी सरकारी और गैर सरकारी बैंक। सभी बैंक अपनी योजनाओं के लिए जनता की सभी बैंकिंग आवश्यकताओं के लिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के प्रांगण में 2 दिन के लिए आ चुके हैं, तो आप सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। देश के सभी सरकारी, निजी और NBFC ने एक साथ मिलकर एक ही छत के नीचे अपने सभी उत्पादों, जिनमें उनके जमा उत्पाद और ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार लोन के अलग अलग उत्पादों की एक प्रदर्शनी एक मंच पर आकर प्रदर्शित की है। इस आयोजन का नाम रहा ग्राहक उन्मुख पहल, यानी कि कस्टमर ओरिएंटेड इनिशिएटिव। इस मौके पर मौजूद रहे SBI के जनरल मैनेजर प्रभात कुमार मिश्रा, इसी के साथ साथ अन्य बैंकों के सर्कल हेड भी वहां मौजूद रहे। तो एक एक करके रुक करते हैं उसी तरफ। सर, जनता की सेवा के लिए आज BNB क्या नया लेके आया है? वैसे तो जो ये क्या कहते हैं, जो आज का फंक्शन जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वो सभी बैंक मिलजुल के कर रहे हैं और जितने भी तरह के प्रोडक्ट सभी के पास अवेलेबल हैं, वो सारे हम एक साथ लेके हर बैंक जो है वो अपने उसको डिस्प्ले कर रहा है और पंजाब नेशनल बैंक के भी जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सारे आज यहाँ पे इस काउंटर के ऊपर उनकी जानकारी हम दे पाएंगे सभी को। तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक नहीं बल्कि सारे बैंक एक साथ हैं यहाँ पर, मतलब लोगों को कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ऐसे में क्या आपका विजन है कि लोगों को कितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत कन्फ्यूज़ हैं कि आज के टाइम पर कहाँ इन्वेस्ट करें, किस पॉलिसी में, या फिर लोन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आपकी बात, जो आपने क्वेश्चन किया है, वो बहुत ही जेन्युइन है और बड़ा कहते हैं ना, एक रेलेवेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है कि जब कोई भी कस्टमर जो है वो शाखा के अंदर जाता है तो वहाँ कई बार क्या होता है, शाखा प्रबंधक के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता। आज एक स्पेशली जो है सभी जो कहते हैं बैंक जो हैं वो अपनी अपने यहाँ पे स्टॉल लगा के बैठे हैं। मेरा जो यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, मेरे पास यहाँ पे जितने भी मेरे कर्मचारी हमने लगाए गए हैं, और आज इसी के लिए बैठे हैं कि कस्टमर्स को जानकारी दे सकें। एक तो डिपॉजिट प्रोडक्ट्स के बारे में, जो हमारे डिपॉजिट के प्रोडक्ट्स हैं, खास करके जो हमारी जनधन की स्कीम्स हैं उसके साथ जीवन ज्योति स्कीम है या जीवन सुरक्षा बीमा योजना है, उसके बारे में जानकारी दे सकें। उनको कहाँ से, उनको गाइड करेंगे कि आप किस ब्रांच में, सभी ब्रांचें इन काम को करती हैं, तो अगर वो जहाँ का भी कस्टमर जिस एरिया से भी आया तो हम उनको बता पाएंगे कि आप वहाँ चले जाइए। एक बात मैं और शेयर आपसे करना चाहूँगा कि पंजाब नेशनल बैंक ने हमेशा ही जितने भी हमारे MSME के लोन्स रहे हैं उसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। जैसे मुद्रा योजना पिछले दिनों बहुत ही, आपको पता है, सभी ने सुना होगा कि बहुत ही पॉपुलर रही है, और पंजाब नेशनल बैंक में उसके बहुत अच्छा काम किया है। बहुत ज़्यादा लोन हमने उसके अंदर, उस स्कीम के अंदर हमने दिए हैं। अभी रिसेंटली क्या एक बड़ा अच्छा एक चेंज जो है वो आया है कि क्योंकि कुछ खाते इसमें NPA होने जा रहे थे तो या ज़्यादा हो रहे थे, इसकी जो परसेंटेज थी उसको देखते हुए एक बहुत ही बढ़िया पोर्टल 59minute.com पोर्टल, PSB59minute.com जो पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया, सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके अंदर कुछ डाटा जैसे ही फीड होता है तो उस आदमी की एलिजिबिलिटी निकल के आ जाती है। एक बहुत ही परफेक्ट सिस्टम है ये। सर, इतिहास में पहली बार प्राइवेट और सरकारी बैंक एक साथ लोगों की सेवा के लिए यहाँ पे मौजूद है, तो क्या एक मोटो आपने सेट किया हुआ है यहाँ पर, कितने लोग आए हैं, किस तरीके से आप उन्हें इन्फॉर्मेशन देंगे, क्या आपका विजन है आज? बेसिकली जो एक धारणा बनी हुई है ऑफ लेट कि भाई बैंक का सपोर्ट नहीं हो रहा है या पब्लिक को एक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो हम ये चाह रहे थे कि इंडिविजुअल बैंक्स के अलग अलग होने से अच्छा है कि भाई एक साथ एक ही के मल्टीपल एजेंसीज एक जगह हो तो कस्टमर्स को डायरेक्टली फ़ायदा होता है। सारे काउंटर्स हैं, कस्टमर अक्रॉस द काउंटर्स जा सकते हैं, उनसे पता कर सकते हैं, प्रोडक्ट कंपेयर कर सकते हैं और जो बेस्ट है एक तरह से उसको कर सकते हैं। इसे एक सॉर्ट ऑफ बैंकिंग सुपरमार्केट सॉर्ट ऑफ ए थिंग डेवलप किया गया है यहाँ पे,
जिससे कि सारे इंडिविजुअली सारे लोग तो सबके बैंकों में जाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट का डिफरेंस होता है, कई जगह पे जो उनकी पॉलिसीज होती है उसमें फ़र्क होता है। तो जो बेस्ट मिल सकता है वो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट में पॉसिबल है, इसलिए इसको किया गया। ये इनिशिएटिव जो है वो DFS की तरफ से है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें मेरठ डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है SBI एंकर बैंक है। टोटल जो है 400 डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम होना है, जिसमें के फर्स्ट 250 में जो है मेरठ का नाम भी है। तो BA लीड बैंक, वी आर ऑल्सो अवेलेबल हियर, और हम जो है ग्राहकों को हर तरीके का जो फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन दोनों पर जोर देते हुए उनको कि क्या हम उनको जो है डिपॉजिट के और एडवांसेस के रूप में क्या फैसिलिटीज़ उनको मिल सकती हैं और डिजिटल बैंकिंग का उनको क्या फ़ायदा हो सकता है, वो हम बताने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। दो दिन का जो प्रोग्राम चल रहा है ऑल ओवर इंडिया चल रहा है सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में, आज यहाँ मेरठ डिस्ट्रिक्ट के लिए चल रहा है। यहाँ सभी बैंक, प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, सभी बैंक मौजूद है। कस्टमर जितना चाहे आ सकते हैं। आने के बाद हम लोग यहाँ से अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, बैंकिंग प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, क्या सुविधाएं उपलब्ध है बैंक के चैनल के थ्रू में, कैसे बैंक से इजीली लोन मिल सकता है, एंड क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है। ये जो त्यौहार आ रहा है फेस्टिव सीजन के देखते हुए सूद भी कम है, ब्याज भी कम लगता है, एंड जो चाहेगा जिस प्रकार का लोन है कस्टमर वाइज सेगमेंट वाइज प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल फ्रॉम अस। देर इज़ नो डिफिकल्टीज, देर इज़ नो लिक्विडिटी क्रंच, बैंक तैयार है, कस्टमर को तैयार होना चाहिए ताकि हम लोन दे सकें एंड सही वक्त पर लोन लेके सही काम करके बैंक का लोन चुकता करें ताकि देश आगे बढ़े, डिस्ट्रिक्ट आगे उन्नति करे। मैडम, इसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो है क्रेडिट डिसबर्स हो रहा है, दूसरा FPO बना के हम आसानी से किसानों को जोड़ देते हैं और उसमें उनको क्रेडिट मिलने में सुविधा होती है। इसके अलावा नाबार्ड की कई योजनाएं हैं, जैसे डेयरी से रिलेटेड है, पोल्ट्री है, पिगरी है, जिसमें बैंक लोन के ऊपर 25% से लेकर 33% तक का अनुदान है। साथ ही भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है कि वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, उसके लिए भी 25% से लेकर 33% तक का अनुदान नाबार्ड के द्वारा दिया जा रहा है। साथ ही किसानों की आय दुगनी हो, इसके लिए हम जो है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं। उसमें हमारी कोशिश है कि फिशरी फार्मर को भी KCC के लाइन पे उनको 7% पे कर्ज मिले, साथ ही एनिमल हस्बेंड्री के में जो एनिमल्स पाल रहे हैं उनको भी 7% पे KCC के लाइन पे मिले। साथ ही साथ किसानों को 7% पे लोन उपलब्ध हो रहा है और उसमें नाबार्ड की ओर से सबवेंशन मिलता है, जिसकी वजह से कि किसानों को 4% पे लोन उपलब्ध हो जाता है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? फरहाना। आपका? परवीन। आज किस मकसद से आप यहाँ पे आए? लोन के मकसद से आए हैं। कितना लोन चाहिए? 50,000 का। तो यहाँ पे जितना आपने काउंटर्स पे विजिट किया कोई सेटिस्फेक्शन आपको मिला? जी। क्या पता लगा? जी, कहाँ के मिल जाएगा। अच्छा, अच्छा। तो काफ़ी मुश्किलें आपने पहले, अगर कहीं आप बैंक में गए थे तो पहले मिलने में मुश्किल थी या यहाँ पे आने के बाद आसानी हुई? हम कहीं नहीं गए मैम, हमें यहाँ आने पे आसानी लग रही है। जी, हमें भी यही लग रही है। हाँ जी, तो आपको लग रहा है मतलब जो आपकी ज़रूरत है वो उससे पूरी हो जाएगी? हाँ जी, उम्मीद तो यही है जी। आज देखो, जनता की सेवा में इतिहास में पहली बार सिर्फ प्राइवेट नहीं बल्कि सरकारी दोनों बैंक मिलकर जनता के लिए कुछ नया लेकर आए हैं। यहाँ पे SBI के जनरल मैनेजर हमारे साथ हैं, उन्हीं से पूछेंगे कि आज जो इनिशिएटिव आपके द्वारा लिया गया है इसके बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, ये इस कार्यक्रम का नाम हम लोगों ने रखा है ग्राहक उन्मुख कदम, कस्टमर ओरिएंटेड इनिशिएटिव। इसमें जो हम लोग का जो सारे बैंकों का यहाँ पर जो ध्येय है कि सभी बैंकों के सारे उत्पादों की जानकारी एक छत के नीचे अपने ग्राहकों को देना, और ग्राहकों को एक जानकारी अगर मिल जाएगी तो उनको ये होगा कि हम कहाँ पर हमको किस तरह से सुविधाएं मिल सकती हैं, किस तरह हमको अच्छी सुविधाएं मिल सकती है, या कहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या ये है। तो इसको कोऑर्डिनेट करते हुए यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और इस तरह के कार्यक्रम पूरे भारत में लगभग 400 जिलों में आयोजित किए जा रहे हैं। फर्स्ट फेज में आज और कल लगभग 225 जिलों में ये आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वो फेज वाइज इस महीने के डिफरेंट इशू में वो और सभी जिलों में इसको आगे रोल ओवर किया जाएगा। तो जो ये योजना आपने बनाई है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों बैंक एक ही छत के नीचे लोगों के लिए, तो क्या कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है, मतलब कितने पब्लिक आपसे यहाँ पर कन्विंस हुई है या फिर लोग आए हैं? क्योंकि कई बार होता है कि प्रोग्राम्स लाए जाते हैं लेकिन लोगों तक वो पहुँच नहीं पाते, तो इसके लिए आप लोग की क्या योजना है? तो
यहाँ पर है कि सारे बैंकों को इसमें आमंत्रित किया गया है, सारे बैंक, NBFC बैंक में पब्लिक सेक्टर भी, प्राइवेट सेक्टर भी, और सारे लोग अपने बैंक के प्रोडक्ट्स को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अभी से कस्टमर्स का हुआ यहाँ पर आना शुरू होगा और हम उम्मीद करते हैं कि उन लोग को बहुत अच्छा एक अनोखा अनुभव प्राप्त होगा, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक छत के नीचे सारे बैंक अपना एक साथ एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कार्यक्रम, जो कि पहली बार बैंकिंग इतिहास में मेरी जानकारी के अनुसार से हो रहा है। तो निश्चित रूप से ग्राहकों को इसका लाभ मिलना चाहिए। तो देखा आपने कि एक ही छत के नीचे जनता की सेवा में आए हैं प्राइवेट और सरकारी दोनों बैंक। त्योहारों का सीजन आने वाला है, आप लोग भी कंफ्यूज होंगे कितना पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ जमा करना है, या फिर क्या नए प्लान्स आपके लिए आने वाले हैं, तो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। देरी है तो बस आपको यहाँ तक आने की, जब आप यहाँ पहुँचेंगे आपके सारे डाउट्स एक बार में क्लियर हो जाएंगे। कैमरामैन यूसुफ के साथ प्रेरणा तलवार, फर्स्ट बाइट TV।